Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from two IITians. बच्चों, alternating current के concept video पाने के लिए join button पर क्लिक करें या फिर इस number पर call करें. Inductance must be connected with a 0.2 microfarad capacitance in a resistance less oscillatory circuit. देखो यार, ऑसिलेटरी सर्किट जब भी लिखा हो तो हमें एक कंडीशन याद रखनी चाहिए. वो कंडीशन अभी मैं आपके सामने डिराइव भी करूंगा. इन ऑर्डर टू ऑब्टेन रेडियो वेव्स ऑफ 1000 हर्ट्ज, ये तो हम लोग बाद में चिंता करेंगे. देखो यार, अगर एल और सी हैं, कुछ भी है, ठीक है, हमने मान लो अपना एक सर्किट बना लिया कि हमारे पास भाई केवल L है और केवल C है. पावर इससे, मतलब पावर सप्लाई जो है, वोल्टेज सप्लाई, वो ऐसी है, इसका अपना कुछ ओमेगा है, ओमेगा ही फिर F में ट्रांसलेट हो जाएगा, है ना. चाहो तो ये लिख लो, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होने वाला है. तो ये C है. अब होगा क्या, अगर मान लीजिए, देखिए, जब रेजिस्टेंस लगा होता है तब हम लोग इम्पीडेंस कैसे निकालते हैं. Z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर. इसमें R तो जीरो पहले ही हो चुका है, ठीक है. अब किसी तरह हम इसे भी जीरो कर दें, अगर अगर कोई ऐसी कंडीशन हो जाए कि ये भी जीरो हो जाए, तो इसका इम्पीडेंस जीरो हो जाएगा. जीरो इंपीडेंस ही ऑसिलेशन की कंडीशन होती है. जीरो इंपीडेंस ही ऑसिलेशन की कंडीशन होती है. तो जब रेजिस्टेंस जीरो पहले से ही दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करें, एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी कर लें. ये सब डिराइव करने की हमें जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ करके बता रहा हूं कि डेरिवेशन क्या होता है. एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी कर दूं मैं, ताकि इंपीडेंस जीरो आ जाए. XL इज इक्वल टू एक्ससी. एक्सएल का मस्त फॉर्मूला ओमेगा एल ओमेगा, इसका बेकार फॉर्मूला ओमेगा सी, ठीक है. ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, ठीक है. इसको इधर लेगा, इसको इधर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है. ओमेगा स्क्वायर से रूट में ले आए LC, है ना. ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC. अब ओमेगा जो है वो 2πf होता है, 2πf, ठीक है. अब यहां से अपना फॉर्मूला आ गया, f को अकेले निकाल लो, इज इक्वल टू 1/2π. 2π को नीचे ले आए, बस 1/√ LC. मुझे तो ऐसा पसंद नहीं आता, दो दो बार वन, वन मल्टीप्लाइड बाई वन. बुक में ऐसा भी लिखा है एक जगह, और कई जगह ऐसा भी लिखा है, तो ऐसा मैं सही मानता हूं. तो ये कंडीशन होती है. तो जब भी आपसे बोला जाए ऑसिलेटरी सर्किट, तो बस ये फॉर्मूला तुम्हारे मन में तैरना चाहिए, ठीक है. जब भी ऑसिलेटरी सर्किट बोल दे, तो ये फॉर्मूला तुम्हारे मन में आ जाना चाहिए कि हमें ये करना है, ठीक है. तो जगह खाली करें, अब क्वेश्चन शुरू होगा. आगे को क्वेश्चंस में हम लोग सीधे इसको यूज कर लेंगे, है ना. अच्छा, अब थोड़ा सा इसमें एल निकालना है, तो एल को पहले बाहर तो लाओ, है ना. तो एफ स्क्वायर, डरने का नहीं, 4π² LC, बस इतना ही करना है. एल बाहर आ गया, 1/4π² f² c. अगर आप प्रो लौंडे हैं तो आप सीधे यहीं से शुरू कर देंगे, ठीक है. प्रो है तो चलिए. अब 4 × π/y तो दिया ही नहीं है यार, एफ की जगह रख दो 1000 स्क्वायर, है ना. 1000 है एफ,
तो एफ स्क्वायर 1000 स्क्वायर, सी थोड़ा सा मदद देगा, 0.2 × 10⁻¹। ठीक है भाई, तो 10⁻¹ 1000 स्क्वायर को खा जाएगा, तो ये 0.8 पाई स्क्वायर। यार कुछ मजा नहीं आया। L इज इक्वल टू 0.8 पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर होता है 9.86। तब कुछ कर सकते हैं क्या? चलो देखते हैं। 0.8 × 9.86। अरे यार पढ़ लेना पड़ रही, बैठ के लिखना पड़ रहा है। अब थोड़ी मेहनत के बाद L आया 0.1267। हमें रिपोर्ट करना है 0.127 हेनरी। एक तो ये लोग इतना ज्यादा एक्यूरेट आंसर निकाल देते हैं कि मेहनत करनी पड़ जाती है। मैं सिर्फ 0.1 क्यों ना लिख लूं, है ना? तो ठीक है, L अपना आ गया 0.127 हेनरी। दिस क्वेश्चन इज डन नाउ। तो याद रखना, जब भी ऑसिलेटरी सर्किट हो तो ये फॉर्मूला तुरंत मन में आ जाना चाहिए। आगे काफी सारे सवाल सिमिलर हैं इसी कॉन्सेप्ट पे।